तो कमर्शियल भारतीय नॉलेज पॉइंट पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया गया था लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कि अभी काम होना बाकी हैं जैसे कि फुटपाथ डेवलपमेंट और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जैसे कि आपको बहुत सारे गार्डनिंग के वर्क होते हैं फूल लगाना होता है ये सब जो वर्क है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मतलब ले देकर जो मैंने कहा था डेकोरेशन का काम वो भी कम्प्लीट नहीं हुआ तो आज के इस वीडियो में मैं वही दिखाऊंगा जो छोटे मोटे काम जो मेन प्रोजेक्ट के अलावा जो होता है डेकोरेशन का वो रहता है जैसा कि आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हो यहाँ पे आप जो सी आपके अगल बगल जो समुद्र है उस समुद्र के ऊपर जो होता है बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं ताकि जो लहर है वो लहर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना कर पाए तो वो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका काम हो रहा है और ये काफ़ी लंबा एरिया है ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है लेकिन अभी पर्टिकुलरली इसी पोर्शन में काम हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेत डाल दी गई है रेत के साथ जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जिसको हम लोग गिट्टी भी कहते हैं गिट्टी की यहाँ पर एक परत बिछाई जा रही है इसके ऊपर वो जो बड़े बड़े लोहे के और वो जो बड़े बड़े ईंट कंकड़ के पत्थर जो बड़े बड़े होते हैं अब पर्टिकुलर शेप जो यहाँ के आइकॉनिक शेप हैं उसमें डालने का काम अभी बाकी है और ये आप देख सकते हैं गार्डनिंग का काम है गार्डनिंग काम अभी स्टार्ट ही हुआ है तो इसलिए जो आपको पेड़ पौधे दिखेंगे वो बहुत इनिशियल स्टेज में देखेंगे मतलब जो बहुत ही इनिशियल स्टेज में छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं वही आपको यहाँ पे पौधे दिखेंगे और आप देख सकते हैं काम कैसा चल रहा है यहाँ पर आपको क्रेन भी दिखेगा क्रेन में काम चल रहा है और यहाँ पर आप गार्डन का पूरा एरिया देख सकते हैं आप यहाँ पर गार्डनिंग का पूरा एरिया देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गार्डनिंग किया जा रहा है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये पूरा स्ट्रेच इतना ही लंबा है जितना जितना आपका ये कोस्टल रोड है तो आपको यहाँ पर देखें देख के मजा आएगा और सबसे बड़ी बात है कि इसको अभी ऐसा नहीं रखा जाएगा इसको और डेवलप किया जाएगा लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में होने की वजह से इसको बस अभी यहीं पर डेवलप करके छोड़ा जा रहा है ताकि जो पौधे हैं वो थोड़े मैच्योर हो सके आप देख सकते हैं बहुत ही अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी इनको खोद के लगाया गया है तो इसी वजह से अभी यहाँ पर पूरा पोर्शन पर काम नहीं हो रहा है लेकिन इसके अलावा और भी आगे जो मैं अभी आपको फुटपाथ वाला एरिया दिखाने वाला हूँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है जहाँ पर लोग शाम को आके बैठते हैं जैसा कि जो कि आइकॉनिक प्लेस है मुंबई का जो कि आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हो यहाँ पे क्रेन वाला काम क्रेन भी लगाई गई है और यहाँ पे बुलडोजर भी लगाया गया है तो ये वाला जो एरिया है इसको अभी डेवलप किया जा रहा है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था इसके लेफ्ट साइड में जहां पे ईट पत्थर लाके रखा जाता है तो यह जो पोर्शन है यहाँ पे अभी मेन काम होना बाकी है बाकी क्योंकि गार्डनिंग का काम तो कोई बहुत मेन नहीं है लेकिन ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे मेन काम होना बाकी है क्योंकि यहाँ पे पत्थर भी ला लगाया जाएगा और यहां पर भी और बहुत सारे फूल पौधे लगाए जाएंगे लेकिन अभी के स्टेज पर अभी यहाँ पे पहले पत्थर लगाने का काम जो है वो तैयार किया जा रहा है और पानी जो निकासी का काम है वो आगे आगे यहाँ पे फुटपाथ के बगल में किया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया है काफी अच्छा इसको डेवलप किया जा रहा है जैसे आपको पता है कि आगे के साइड में इसको पूरा डेवलप कर दिया गया है लेकिन यहाँ पे अभी किया जा रहा है तो दोस्तों ये इनका जो साइड लेन है जहाँ पे लोग नॉर्मली अपनी कार को खड़ा करके बैठते हैं वो वाला एरिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत तो और प्यारा लग रहा है इसको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है इसको अभी ये कहा जा रहा है कि ये जून जुलाई तक बेसिकली कहा जाए लोकसभा इलेक्शन जो है उससे पहले कंप्लीट कर लेना है क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का टाइम है और इस टाइम जो भी चीज़ें होती है काफ़ी बंपर तरीके से होती हैं तो वही मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ये वाला एरिया देखो आप जहाँ जो एरिया है ना इसका भी फुटपाथ भी डेवलप नहीं हुआ है तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टनल था वो तो बना के रख दिया गया लेकिन जो अब बाद इधर उधर कुछ फुटपाथ वाला तो एरिया है वो अभी डेवलप नहीं किया गया तो उसको डेवलप किया जा रहा है तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट आपको देख सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक ले जय हिंद